बैक टू माय चैनल अंजलि ब्लॉग। तो ब्लॉग का शुरुआत मैंने कर दिया है, आप लोग कैसे हैं बताइएगा जरूर कमेंट करके। इस प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत है और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। थंबनेल और थोड़ा सा आप लोग शुरुआत तो देख ही लिए हैं कि क्या होने वाला है इस ब्लॉग में। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं आज मेला, क्योंकि प्रयागराज में बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है और मौसम भी अच्छा हो गया इस टाइम। तो बस हम लोग निकलेंगे कुछ देर में। आज संडे का दिन है और छुट्टी के दिन हम लोग कहीं कहीं जाते हैं और बहुत ही अच्छा मेला होने वाला है। मैंने उस मेले के बारे में बहुत सुना, इंस्टा पे भी देखा था, तो मैंने सोचा हम लोग भी जाके थोड़ा देखते हैं, जैसा होगा आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोग प्रयागराज के हैं तो वहाँ पर जरूर जाइएगा और मैं वहाँ जाके ये भी बताऊँगी कि वहाँ जाने लायक है या नहीं है, कि मतलब मेला बहुत अच्छा है या फिर नहीं है या फिर, तो वो मैं बताऊंगी। उसके बाद अगर आपको सही लगेगा तो ही आप जाइएगा। और बस यही मैं ब्लॉग शुरुआत करते हुए, ब्लॉग में बने रहिएगा और ये ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, तो प्लीज़ इसे भर के लाइक करिएगा और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ब्लॉग को लेके चल रही हूँ आगे, आप लोग फिर मिल। तो गाइस शाम के 5 बज गए हैं और मैं यहाँ बटर और ब्रेड लगा रही हूँ इन लोग के लिए, पेट पूजा के लिए। इन लोग को भूख लग गई थी, पहले मेरा प्लानिंग था ब्रेड पकौड़ा बनाने का, लेकिन गर्मी के मद्देनजर कैंसिल हो गया। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस और किचन में इस समय जाना तो बहुत बड़ा टास्क है। और ये दोनों बाप बेटी जो है आईसी का हवा ले रहे हैं, मैं गर्मी में जो है वहाँ पे बना रही थी, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार, करना पड़ता है। बस आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए, हम लोग का यही है शाम का नाश्ता, बटर और ब्रेड, और फिर चाय लेके आऊंगी। फिर आपसे मिलिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फिश वर्ल्ड मेला में, प्रयागराज के यहाँ पे है ये, केपी ग्राउंड है तो यहाँ पे ये लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा सामने से इसका लुक दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ बोला गया था संडे के दिन टिकट नहीं लगेगा, देखते हैं किट्टू के पापा गए हैं लेने, क्या लगता है या नहीं लगता अभी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर किसी का बर्थडे भी था सामने, होटल था तो वहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं किट्टू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ पे बच्चे ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का एलिफेंट बना हुआ है, तो ये सब फेक बना हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे फोटो क्लिक करवा। और बताया जा रहा था वीडियो में गाइस कि यहाँ पे संडे के दिन फ्री रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संडे के दिन भी टिकट लग रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर जहाँ पे बताया गया था फिश वर्ल्ड बना हुआ है, तो इस तरीके का। इसके पहले मैं एक बार कुंभ मेला में आई थी, तो कुंभ मेला में भी इस तरीके से बना हुआ था, मैंने शेयर भी किया था, वो लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ का जो मिलता जुलता है वही यहाँ पे भी बनाया गया है, जिससे मैंने उस वाले ब्लॉग में शेयर किया था। बट अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे फिश की जितनी भी वेराइटीज़ हैं सब आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए आप, कलरफुल फिश देखने को मिल रही हैं आपको, बहुत सुंदर सुंदर सा वेराइटीज़ हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी फिश हैं, मतलब हर तरीके की फिश यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है, यहाँ पे सारे बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे और बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे। और ये किट्टू पूछ भी रही थी अपने पापा से कि पापा ये कौन सी फीस है, ये कौन सी फीस है, तो इस तरीके से नॉलेज भी मिलता है। बट हाँ, यहाँ एक चीज़ था नहीं कि यहाँ पे मेंशन नहीं था कि मतलब कौन सी फीस है, मतलब हम लोग ऐसे ही अंदाजे से ही बोल रहे थे, कोई वाइट थी कोई ब्लैक थी, बट यहाँ पर लिखा भी रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए था, तो इससे क्या होता है बच्चों का और नॉलेज बढ़ता कि मतलब कि कौन सी ये फीस है। ये देखिए पूरी प्योर वाइट है ये। ये बहुत लेजी वाली मछलियाँ हैं, इसको मूर्छित मछली बोलते हैं। नहीं, लेजी मछलियाँ सोई हुई हैं, तो ये मूर्छित मूर्छित। ये देखो ब्लैक, ये देखो ब्लैक, वहाँ वाइट देखी थी ना, ब्लैक मछली है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऐसी फीस है जिसकी जैसे ऐसे सामने से कांटे जैसे निकले हुए हैं, तो बड़े वैरायटी की यहाँ पे फीस मुझे देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए इस तरीके की है, बहुत मतलब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे फीस अंदर और वो देखते हैं बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आगे चल के कुछ इस तरह से बना हुआ था एक्वेरियम टाइप का, बहुत बड़े में, और ये तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी लोग फोटो भी क्लिक करवा रहे थे और यहाँ पर बहुत ही बड़े मतलब तौर पर बनाया गया था इसको, इसके अंदर से ही हम लोग को एंट्री थी जाना था, तो इस तरीके से बनाया गया था। पूरे मेले का ये जो है प्लस पॉइंट ये फीस वर्ड ही है, उसके बाद तो नॉर्मल मेला जैसे लगा रहता है हर जगह वही है, तो ये अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बच्चे फुल मस्ती करते हैं, उनका टाइम स्पेंड होता है, मतलब फुल पैसा वसूल है ये,
और यहाँ पे इस फिश को देखिए एकदम शांत पड़ी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि फिश है। बहुत ध्यान से देखने पर हम लोग को पता चला। और अब हम लोग चलते हैं मेले की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। अच्छा ये अगर इसका खो गया तो स्टैंड नहीं होगा ये ना? एक सेकंड, ये लोबान वाला है, ये हवन वाला है गाइस, और इसका रेट 80 रुपीज़ है। और ये मोगरा, सबका 80 रुपीज़ है डब्बे वाले का। अगरबत्ती भी रखते हैं क्या? अगरबत्ती मिल जाएगी। इसका कोई रेट निर्धारित होता है कि अलग अलग रेट का है सब है? अलग अलग रेट। और यहाँ पे देखिए ये 10 रुपीज़ का हर मतलब कि आइटम था, आप जो भी आइटम लेते ये 10 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे किट्टू ने कुछ अपने मतलब खिलौने वगैरह छोटे मोटे से लिए यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे आपको हर रेट में सामान मिल जा रहा है और इतना भी ख़राब नहीं था, मतलब यूजलेस नहीं था, आप यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी के शॉप पे ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मेले में आती हूँ तो ज्वेलरी शॉप पे ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉप्स वगैरह देखे, एक मैंने लिया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसे मैं अभी भी पहन रही हूँ। एक हफ्ता हो गया मुझे मेले से आए हुए, अभी भी पहन रही हूँ, उसका कलर नहीं गया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा था अभी। लेकिन कुछ कुछ मेला भी मतलब कंप्लीट नहीं लगा हुआ है, कुछ कुछ शॉप नहीं लगे हुए हैं अभी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से माउथ फ्रेशनर वगैरह मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए सामने भी कुछ ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे हैं, अचार है, पापड़ है, हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। यहाँ पे देखिए इस तरीके के ये जो है 30 रुपीज़ के यहाँ पे आइटम थे। और उसके बाद ये है मसाले, कुछ मसाले यहाँ पे ऐसे भी मिल रहे थे, ये मतलब होममेड मसाले हैं, आपका वेज नॉन वेज सब तरीके का मसाला है यहाँ पे। तो मैंने ये भी देखा, ये हाथ से बने हुए मसाले थे। और उसके बाद यहाँ पे सूट है, यहाँ पे जैसे अगर आपको सूट वगैरह लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा था। मुझे नहीं लेना था तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ मैं आपको बताती हूँ अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने ये सब जो शॉप हैं ये सब अभी अच्छे से ओपन नहीं हुए थे जब मैं गई थी एक हफ्ते पहले, अब तो अच्छे से ओपन हो चुका होगा। अगर आप लोग अब जाना चाहेंगे तो अब मेला अच्छे से प्रॉपर आपको मिलेगा, उस टाइम नहीं था ये, बहुत मतलब एक हफ्ते पहले का ब्लॉग है। अब मैं मुझे टाइम लगा मैं अभी मतलब इसको डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ गेम इस तरीके का है, यहाँ पे अब गन से जो है निशाना लगाना होता है और जिस पे आप जो है निशाना लगाओगे वो आइटम आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ था गेम। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं था, मैंने पूछा भी तो इतने ज़्यादा वो बिजी थे बताए नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके के झूले हैं, यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाला जो राउंड राउंड करता है ये था, और छोटे बच्चों के तो बहुत ढेर सारे झूले थे यहाँ पे। और बड़ा वाला ये देखिए जो बड़ा वाला झूला होता है इसमें तो मुझे बहुत डर लगता है भाई साहब। तो ये था, और उसके बाद आप सामने देख सकते हैं ये सब झूले थे यहाँ पे और बहुत लोग इन्जॉय भी कर रहे थे। लेकिन मैं कभी भी मेले में झूले पर नहीं जाती हूँ कि मैं एक दो बार बहुत ज़्यादा डरी हूँ। और यहाँ पे देखिए हाथ से बने हुए आपको पीलो कवर मिल रहे हैं, टी शर्ट वगैरह जिस पे आप अपने फ़ोटो को मतलब कि प्रिंट करवा सकते हैं। ये भैया आपको सिर्फ 10 मिनट में बना के दे देते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं इनकी। ये शॉप का नाम है, अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग जरूर आएगा, ये पूरे मेले में बस आपको यही एक शॉप मिलेगा इनका। और ये होम डिलीवरी भी कराते हैं, अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, होम डिलीवरी करा लीजिएगा। और अभी मैंने दिया हुआ है एक पीलो कवर बनाने के लिए, वो बोले आप मेला घूम लो फिर 5 मिनट में आपको दे देते हैं। यहाँ पे किट्टू ने खिलौना लेना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कुछ हॉरर प्लेस था, यहाँ पे अंदर भूतों का डेरा था, मतलब नकली ऐसे फेक टाइप का बनाया था बच्चों के लिए, लेकिन किट्टू इतनी डरपोक है कि अंदर नहीं गई हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के डेकोर के सामान जो होते हैं वो होम डेकोर के मतलब इसके अंदर आप कैंडल वगैरह जला सकते हैं, उस टाइप का मिल रहा था। और यहाँ पे कुछ मतलब कि कप वगैरह बाउल वगैरह ये सब भी मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे घर में मतलब इस समय तो मेरे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे मीठा पान भी आपको मिल जाएगा, आपको हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, वुडन का सामान मिलेगा। ये देखिए छोटे छोटे से डेकोर के सामान हैं जो ऊंट के बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे देखिए मतलब चारपाई वगैरह, डमरू, मुझे डमरू लेने का मन था बट मैं फिर भूल गई, मैंने सोचा भी देख के जाऊँगी ले लूँगी लेकिन मैं ध्यान उतर गया। तो वहाँ पे आई मैं यहाँ पे झूले दिखा रही हूँ, किट्टू ने झूला एक दो झूला भी था। और यहाँ पे देखिए आइसक्रीम मिल रहा है, फालूदा मिल रहा है, क्योंकि गर्मी उस दिन थोड़ी ज़्यादा लग रही थी बारिश की वजह। हम लोग मेला घूम लिए हैं और बहुत ही छोटे में अभी लगा है, बहुत बड़े में नहीं लगा है। अगर आपको आना भी होगा तो आप 2-4 दिन बाद ही आइएगा, कुछ कुछ शॉप अभी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। और बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पिज्ज़ा खाने, और वो भी कौन सा, कुल्हड़ पिज्ज़ा, कुल्हड़ पिज्ज़ा का बहुत नाम सुने हैं बट यहाँ मिल रहा था तो हम लोग भी सोचे ट्राई कर लेते हैं कैसा लगता है खाने में।
तो यहाँ पे देखिए ये गेम खेलने जा रहा है, जो ये रिंग है इसको इन जो प्रोडक्ट है इसमें अगर कहीं भी आप डाल देंगे, अच्छे से अभी रुक जाइए अच्छे से, तो आप इसमें कहीं भी आप अगर रिंग डाल देंगे, अगर जिस प्रोडक्ट में ये रिंग जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो किट्टू के पापा ये खेलने वाले हैं फाइनली डरते डरते, और देखते हैं कि ये डाल पाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से शांति डालिएगा, आराम से किसी प्रोडक्ट में डालिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। तुमको नहीं करना है बेटा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये बाउंसी था रिंग कि किसी भी प्रोडक्ट में ये जा ही नहीं रहा था। किट्टू के पापा ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया बट एक भी जा नहीं पाया। फिर उसके बाद किट्टू ने भी कोशिश किया था फिर भी नहीं जा पाए। ये सब ऐसे बनाते ही है ना, किसी में जाए ना उछल जाता है तुरंत। छोटे वाले में डालिए, ऊपर ऊपर नहीं जा पाएगा, छोटे वाले में डालिए। खेलो किट्टू, अच्छे से डालना बेटा, ध्यान से पहले एक डालो, पहले एक डालो, आराम से किट्टू, आराम से बेटा। यहाँ पे ये जीत गए टॉफी का डब्बा, और हम लोग का हो गया पोपट। हम लोग एक भी जीत नहीं पाए क्योंकि जो नहीं जीत पाएगा, जो ये रिंग होती है इस रिंग में बाउंस होता है, और जब ये रिंग हम लोग उछालते हैं तो ये बाउंस हो जाता है, तो लोग सामान में अच्छे से कैच नहीं कर पाता सामान को, तो इसीलिए जल्दी किसी का नहीं। हम लोगों ने एंजॉय किया और तो है गेम में कोई हारेगा कोई। और यहाँ पे ये गेम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बट इसमें ये हम मुझे पता था कि इसमें जीतने वालों को जो सामने सब प्रोडक्ट रखा हुआ है उसमें से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए इस तरीके का झूला मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो किट्टू ने भी जीत किया कि मम्मा मुझे भी झूलना है, तो वो झूलने लगी। हाँ तो गाइस मेला हम लोग घूम चुके हैं, मेला बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों को ज़रूर लेके आइएगा, किट्टू बहुत खुश हो रही है। तो अगर आप लोग प्रयागराज के हैं तो आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बच्चे फुल एंजॉय मस्ती करने वाले हैं और आप लोग भी मस्ती करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किट्टू भी झूलना शुरू कर दिए हैं उसी वाले झूले पे, और हम लोग का भी कुल्हड़ पिज्जा बन रहा था तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का ये झूला था, बट मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था क्योंकि जो इसका ये वायर था वो एकदम पूरा इलेक्ट्रॉनिक था, देख रहे हैं इसमें जो है करेंट आ रहा है, मुझे मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था। पिज्जा हो गया है रेडी, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुल्हड़ पिज्जा भी बन के रेडी हो चुका है। किट्टू के पापा से मैंने पूछा तो बोले बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म था और बारिश होने वाली थी इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पूरा बादल एकदम घिरे हुए थे, और इनको बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मुझे पिज्जा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट एक बाइट मैंने लिया था क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था, तो बस ये और बहुत ज़्यादा गर्म था। आप लोग देख सकते हैं इसको टिश्यू से अच्छे से पकड़े हुए हैं, बस एक बाइट मैंने लिया था। उसके बाद किट्टू तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी वो क्योंकि झूले में मगन थी। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे कुल्फी मिल रहा था, वो मैं देख रही थी, आप लोग को भी शेयर कर दिया। कैसा लग रहा है बताइएगा, अगर आप लोग को बनवाना होगा इस मेले में आप आराम से बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं भैया। मैं इनका वो दे दूंगी, क्या बोलते हैं नाम दे दूंगी शॉप का, आप लोग आके बनवा लीजिएगा, एक ही शॉप है ही। वाओ ब्यूटीफुल। उसके बाद हम लोग मेले से निकल जाते हैं, काफी लंबे टाइम से हम लोग मेले में थे। उसके बाद किट्टू को लगती है प्यास तो ये जूस पीती हैं ऑरेंज वाला। अगली मॉर्निंग कल हम लोग मेले से आए थे और इतना ज्यादा थक गए थे कि क्या ही बताएं, बहुत ज्यादा थकान सी लग रही थी तो हम लोग सो गए थे। तो आज मैं खा पी के अच्छे से मतलब पूजा पाठ करके नहा वहा खा पी के फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो मैंने अभी एंड ही नहीं किया है, तो ब्लॉग एंड करना भी जरूरी होता है, तभी तो हम अगला ब्लॉग ला सकते हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये मेले का ब्लॉग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत इन्जॉय हम मतलब किए थे, हमसे ज़्यादा तो किट्टू की थी क्योंकि बच्चों का ही होता है ये सब, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अगर आप लोग प्रयागराज के तो जरूर जाइएगा वहाँ पर, और अगर आप आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं, स्टेशन के बहुत करीब ही है, तो आएंगे तो आपको स्टेशन पे ही पता चल जाएगा वो मेला कहाँ लगा है। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बता दूंगी, कमेंट करिएगा आप लोग। और बहुत ही अच्छा ये मेला है। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा ये ब्लॉग पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर बार की तरह मैं कहती हूँ। और ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करिए गाइज, आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है गाइज। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपने अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।